मैं आपका दोस्त क्रेजी प्रथमेश और ये है रेनॉल्ट काइगर RXE बेस मॉडल और इसको मैंने हाल ही में परचेज़ किया है। और गाड़ी को देखने से लगता है तो इसमें तो मुझे कोई भी कमी नहीं लगी। इसका जो व्हील कवर है, जो गाड़ी का डिज़ाइन है, लुक है, वो बहुत ही पसंद आया। और हमारे यहाँ सबको इस गाड़ी ने बहुत ही खुश किया है, उनके एक ही नज़र में सबको प्यार हो गया इससे और हर कोई इसके बारे में मुझसे डिटेल लेते रहता है। जैसे आप सब लोग तो इसको जानते ही हैं और इसके लुक को सभी लोग प्यार करते हैं, सबको ये बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन मैंने जो ये परचेज़ की है, ये काइगर का बेस मॉडल है जो RXE आता है, इसमें बाहर से तो सब कुछ मिलता है लेकिन अंदर से बहुत सी चीज़ें कम मिलती है। लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में फुल डिटेल बताता हूँ। इस गाड़ी के बारे में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि इसमें जो इंडिकेटर दिया है वो इसके साइड मिरर में दिया है, ना कि फेंडर पे दिया हुआ है। इसकी वजह से इस गाड़ी की लुक और भी बहुत ही ऑसम हो जाती है, जिसकी वजह से सब लोग इसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और अगर प्राइस रेंज के बारे में अगर मैं बोलूँ कि इस प्राइस रेंज में आपको जहाँ वैगनार और सिलेरियो जैसी गाड़ी मिलती है उस जगह में हमको एक SUV मिल रही है, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो में इस गाड़ी की पूरी डिटेल बताता हूँ। बाहर से तो सभी जानते हैं लेकिन अंदर से इसके बारे में ज़्यादा कोई नहीं जानता, तो चलिए हम अंदर से आपको डिटेल बताते हैं। तो गाइज़ मैं अब अंदर आ चुका हूँ और मैं आपको फर्स्ट दिखाता हूँ इसकी पावर विंडो, जो सिर्फ फ्रंट में आती है और ना इसमें कोई स्पीकर आता है ना म्यूज़िक सिस्टम आता है। लेकिन फ्रंट दो पावर विंडो भी बहुत है एक आम आदमी के लिए, और जो बेस मॉडल लेता है ना वो ये लेकर भी बहुत खुश है। और यह इसका डिजिटल मीटर जो बहुत ही अच्छा दिखता है, किसी को नाराज़ नहीं करता, ड्राइवर को भी बहुत अच्छा लगता है इसको देखने में। और इसमें फुल डिटेल आपको मिल जाती है जो बहुत ही अच्छी है, जैसे कि और कोई गाड़ी में ऐसा नहीं मिलता, जो एनालॉग मीटर मिलता है उसमें से ये बहुत अच्छा है। तो इसमें कोई स्टीरियो नहीं मिलता है, ये जगह खाली आती है, ये आपको AC और ये आपको मैनुअल AC मिलती है। इस पर एक डिक्की का स्विच आता है, एक पार्किंग का स्विच आता है, ये आपको मैनुअल AC है, सब हाथ से घुमाना पड़ता है। ये आपको मैनुअल गियर आता है, ये हैंड ब्रेक आपको यहाँ मिलता है, ये आपको स्पेस खाली मिलता है, इसमें कोई जगह नहीं है। ये आपको हैंड रेस्ट मिलता है जो कि बहुत अच्छा है और इस बजट में इस लेवल की गाड़ी में किसी को नहीं आता है। यह इसका ग्लव बॉक्स जो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही डीप है, इसके बारे में भी बहुत कुछ है अंदर। ये आपको को पैसेंजर के साइड मिरर स्विच, ये डोर लॉक, और इसमें स्पीकर नहीं आते, ना ट्विटर आते हैं, ना कुछ, ना म्यूजिक सिस्टम आता है, ना कुछ आता है। ये डिटेल तो आगे से हो गई, तो मैं आपको अब इस गाड़ी के पीछे की साइड दिखाता हूँ। तो ये पीछे की साइड है, इसमें आपको नॉर्मली मिरर अप डाउन करने का मिलता है। और ये पीछे की सीट है और स्पेस के मामले में ना दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। जब मेरे फैमिली मेम्बर इस गाड़ी में बैठे तो बहुत ही खुश हो गए, क्योंकि इतना बड़ा स्पेस, इतनी बड़ी गाड़ी और वो भी इतने कम प्राइस में, वो लोग देखकर बहुत खुश हो गए। इससे बढ़िया गाड़ी मुझे तो अभी तक कोई नहीं लगी। तो इसके बाद मैं आपको इसके डिक्की के बारे में बताता हूँ जो बहुत ही बड़ी, इस सेगमेंट के लेवल में सबसे बड़ी है। तो जैसे कि हम इसकी डिक्की ओपन करते हैं, यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है और ये सबसे बड़ी डिक्की इसको कहते हैं। इसका बूट स्पेस बहुत ही अच्छा है, इस सेगमेंट में सबसे बूट इसी का गाड़ी का दिया हुआ है। तो यहाँ पर डिक्की खोलने के लिए एक रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है, इसको हम अंदर से लॉक भी कर